सभी को नमस्कार। जनपद हापुड़ के एसएसके इंटर कॉलेज से मैं अजय कुमार मित्तल। और बच्चों, आज हम जो है गति पर चर्चा करते हैं। और जैसा कि हमारे कक्षा 11 का जो पाठ्यक्रम है उसमें अध्याय 3 सरल रेखा में गति, तो हम इस गति को केवल सरल रेखीय गति तक ही सीमित रखेंगे। और आप देखते होंगे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सूची बनाइए जो आपको चलती फिरती चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो आप उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनानी शुरू कर देंगे। जैसे कि कोई मान लीजिए हवा चल रही है, या कोई पत्ता गिर रहा है, या कोई गाड़ी चल रही है, या आसमान में कोई पतंग उड़ रही है, या आपके घर के पर्दे हिल रहे हैं, या आप जब लिख रहे हैं तो आपकी लेखनी चल रही है। तो इस तरह से आप उन चलती हुई चीज़ों पर निगाह डालेंगे, बाकी जो रुकी हुई चीज़ें उनको आप छोड़ते चले जाएंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इस ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर पिंड प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिशील रहता है। जिसको आप स्थिर मान रहे हैं, हो सकता है वो गतिशील हो, क्योंकि हर गति का अध्ययन करने के लिए, हर गति को समझने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सहारा लेना होता है। हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के माध्यम से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम उसको गतिशील कहें या स्थिर कहें। अपने आप में वो गतिशील भी हो सकती है, स्थिर भी हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और आपके बराबर में एक दूसरी गाड़ी उसी चाल से जा रही है, उसी स्पीड से जा रही है, तो आपको वो गाड़ी स्थिर नज़र आएगी। लेकिन सड़क पर अगर कोई खड़ा व्यक्ति है तो उसको दोनों गाड़ी चलती हुई दिखाई देंगी। तो अब किसको स्थिर कहें, किसको गतिशील कहें? तो यहाँ हम रेखीय गति के बारे में अध्ययन करते समय सबसे पहले हम गति के बारे में जानेंगे। गति है क्या? तो किसी वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो हम कहते हैं कि वो गतिशील है। उसकी गति को निर्धारित करने के लिए, डिसाइड करने के लिए या आकलन के लिए जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, उसमें हम क्या क्या तय करेंगे? तो उसमें हमारे पास कम से कम एक तो बिंदु होना चाहिए जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहेंगे, संदर्भ बिंदु कहेंगे। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ हमें एक्सिस का एक सेट बनाना होगा, अक्षों का एक समुच्चय, जिनमें से हम जानते हैं कि हम एक्स वाई और जेड तीन अक्षों का सहारा लेते हैं। जो कार्तीय तल है हमारा, कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा है वो सबसे बेहतर सिस्टम है, उसी का हम सहारा लेते हैं। और इस सिस्टम में आप देखिए कि तीनों अक्ष एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, तो ये अपने आप में एक रेफरेंस बन गया। और साथ के साथ हम एक टाइम कैलकुलेटर और लगा दें, जैसे कि घड़ी लगा दें हम, तो घड़ी के सापेक्ष यानी कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन करने पर हम कह सकते हैं कि वो वस्तु गतिशील है या स्थिर है। अब ये जो बिंदु है, ये अपने आप में जैसे इस अक्ष का जो मूल बिंदु है, जिसको मूल बिंदु कहते हैं, यही उस गति को व्यक्त करने के लिए संदर्भ बिंदु कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। और ये हमारे जो अक्ष हैं, ये उस पोजीशन, उस वस्तु की जो पोजीशन चेंज होगी उसकी कैलकुलेशन का माध्यम बनेंगे। यहाँ हम चूंकि सरल रेखीय गति की बात कर रहे हैं, इसलिए किसी एक दिशा की हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई एक बॉल है, वो बिना किसी अवरोध के मैदान में सीधी जा रही है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो गई, एक दिशीय गति हो गई। अगर मान लीजिए कि आप अपनी कॉपी के पेज पर कुछ लिख रहे हैं, तो कभी इधर जा रहे हैं आप, तो कभी इधर, तो इस तरीके से आप दो दिशाओं में गतिशील हैं, तो ये टू डायमेंशन मोशन हो गई। और अगर आकाश में कोई एक पक्षी है, वो मान लीजिए उड़ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी ऊपर नीचे बाएं दाएं, तो ये एक तरीके से 3D मोशन हो गई। तो 1D, 2D या 3D किसी भी शेप में आपकी मोशन हो सकती है, लेकिन हम जो गति की बात करेंगे, वस्तुओं की स्थिति परिवर्तन की बात करेंगे, वो केवल किसी एक दिशा में, एक्स या वाई या जेड दिशा में, रेफरेंस पॉइंट के माध्यम से उसकी पोजिशन में होने वाले परिवर्तन की गणना करेंगे। इन तीनों जो हमने एक्स वाई जेड तीन एक्सिस, एक संदर्भ बिंदु, और जो हमने टाइम कैलकुलेटर के रूप में घड़ी इस्तेमाल की है, इसी पूरे सिस्टम को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। और इसी तंत्र का सहारा लेकर के ही हम कह पाते हैं कि कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है। सुबह को जब उठते हैं आप, तो सूरज पूरब से उठ करके पश्चिम की ओर चला जाता है, तो सूरज थोड़ी जाता है, चलते तो हम हैं, लेकिन हम स्थिर दिखाई देते हैं। हम कहते हैं हमारी पृथ्वी तो नहीं दिखाई दे रही चलती हुई, तो पृथ्वी चलते हुए भी स्थिर दिखाई दे रही है, सूरज स्थिर रहते हुए भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन, जिसको कि हम गति कहते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र का होना आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए, अभी मैंने एक उदाहरण लिया, उसको मैं दोबारा से समझाऊं कि मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है और वो इस दिशा में जा रही है, और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो ये गाड़ी चल रही है इस व्यक्ति के लिए, लेकिन जो व्यक्ति इस गाड़ी में खुद बैठा हुआ है,
उसके लिए गाड़ी उसी के साथ है, जैसे पहले थी वैसे ही उसके साथ संपर्क में उसी पोजीशन में अब भी है। इसका मतलब है कि इसके लिए तो ये गाड़ी चल रही है, जबकि जो व्यक्ति उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है उसके लिए गाड़ी एक तरीके से स्थिर है। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट जो हमारा संदर्भ बिंदु है, दोनों बिंदु बदलते ही जो हमें चलती हुई गाड़ी है उसकी पोजीशन या उसकी जो प्रकृति है गति की वो बदल गई। तो आइए इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सहारा लेते हुए किसी एक दिशा में गति करती हुई किसी वस्तु की कुछ उससे जुड़ी हुई कुछ बातें समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर एक ही दिशा लेने का मतलब है कि हम उस गति की बात करेंगे जिसमें कि वो पिंड जिस पथ पर चल रहा है वो मान लीजिए इस एक्स दिशा के संपाती है, इसी की ओर है। तो आइए समझते हैं गति को। समझने के लिए हम दो बिंदुओं पर पहले चर्चा करेंगे। एक है पथ की लंबाई और दूसरा है विस्थापन। ये किसी पिंड के लिए बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मान लीजिए कि ये वो दिशा है जिस पर कोई पिंड गतिमान है, कोई वस्तु गतिमान है, वस्तु को हम बिंदु के रूप में लेकर चल रहे हैं, और मान लीजिए कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ है जिसको हम मूल बिंदु कह रहे हैं, ये वो ओ है। तो आप देखिए इस दिशा, इस रेखा पर, इस अक्ष पर गति दो ही दिशाओं में हो सकती है, या तो इधर या इधर। अगर मैं इसको ऐसे दिखाता तो या तो ऊपर या नीचे, अगर इस तरह से दिखाता तो या तो इधर या उसके ठीक दूसरी दिशा में। तो इसके लिए हम एक तरफ की वैल्यूज़ पॉजिटिव और एक तरफ की वैल्यूज़ को नेगेटिव लेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने दर्शाए हैं और यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैंने मीटर में व्यक्त की है, मान लीजिए 10 मीटर, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, और इसी तरीके से यहाँ 10, 20, 30, 40, और मान लीजिए कोई पॉइंट ओ, कोई वस्तु ओ से लेकर के यहाँ किसी बिंदु ए तक जाती है पहले और फिर ए से लेकर के बी तक जाती है। तो देखिए यहाँ पर पथ की लंबाई कितनी होगी, तो पथ की लंबाई तो होगी ओ ए प्लस ए बी। इसके लिए हमें केवल उनके जो संख्यात्मक मान है वही जोड़ने आवश्यक होंगे। ओ से ए तक का पथ कितना होगा, तो ओ से ए तक का पथ निकालना है अगर हमें, तो आप देखिए उनकी पोजिशंस, ओ लास्ट का बिंदु है हमारा ए, तो ए की पोजिशन है 20 और प्रारंभिक पोजीशन 0, तो 20 माइनस 0 यानी कि 20 मीटर। और ए से बी तक कितना होगा, तो ए पर हमारा पोजीशन है 20 मीटर, बी पर है 40 मीटर, तो 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर। तो आप देखिए ओ ए हो गया हमारा, ओ से बी तक हम दिखाना चाह रहे हैं, तो ओ ए प्लस ए बी, तो ओ ए हो गया हमारा 20 मीटर प्लस ए बी हो गया ये भी 20 मीटर, तो पथ की लंबाई हो गई 40 मीटर। अगर बी से चल करके वो वापस ए पर आ जाए तो उस समय ओ ए प्लस ए बी प्लस फिर से बी ए, तो कुल पथ की लंबाई हो जाएगी 20 और 20 40 मीटर तो ऊपर आई थी, प्लस बी से ए तक का पथ कितना होगा, वो हमारा है 20 मीटर का, तो 20 मीटर और जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के होगी 60 मीटर। अब देखिए यहाँ संख्यात्मक मान के आधार पर हम दिशा की बात नहीं कर रहे, नाम चिन्ह की बात कर रहे हैं, यहाँ कुल पथ की लंबाई, कुल तय की गई पथ की माप की गणना हो रही है। तो पहले 20 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर वापस 20 मीटर। लेकिन जब हम उस पिंड के विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन होता है उस वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का अंतर, ये मुख्य बिंदु है। और इसमें हमें ये भी ध्यान देना होगा कि अंतिम बिंदु कहाँ है, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है। जैसे कि पहले केस में हमने ओ से बी तक की कुल पथ की लंबाई नापी थी, तो यहाँ अगर ओ से बी तक का हम विस्थापन नापेंगे तो बी की पोजीशन माइनस ए की पोजीशन और ओ की पोजीशन, और बी की पोजीशन है हमारी 40 प्लस में। अब की बार हम चिन्ह का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने उस रेखीय गति को दो दिशाओं में विभाजित कर रखा है। तो यहाँ मैंने अंतिम बिंदु की स्थिति प्लस 40 माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थिति 0, तो इसका मतलब है कि विस्थापन हो गया प्लस में 40 मीटर। अगर मैं कहता हूँ कि ए से बी जाने में कितना विस्थापन होगा, ए टू बी, तो ए टू बी के लिए अंतिम बिंदु हो गया आपकी बार प्लस में 40 माइनस, और ए का प्रारंभिक बिंदु यानी कि उसकी स्थिति है प्लस में 20, तो विस्थापन हुआ प्लस में 20 मीटर। लेकिन जब बी से ए पर वापस आया था और हम कहें कि अब बी से ए आने पर कितना विस्थापन हुआ, तो अब की बार अंतिम बिंदु हुआ हमारा ए, तो प्लस में 20 माइनस प्रारंभिक बिंदु बी यानी कि प्लस में 40,
तो अब की बार विस्थापन आप देख रहे हैं माइनस में 20 मीटर, देख रहे हैं आप प्लस और माइनस यानी कि चिन्ह बदल गया, इसका मतलब दिशा बदल गई। इस ए से बी के लिए विस्थापन इस दिशा में है तो बी से ए की दिशा के लिए विस्थापन की दिशा पलट गई है। अगर हम कहें कि ओ से ए तक कुल मिलाकर के कितना विस्थापन हुआ, जब ओ से ए, ए से बी और बी से ए वापिस आया था जो हमने यहाँ पर लिया था, तो ओ टू ए टोटल विस्थापन कितना हुआ, तो आप देख रहे हैं कुल पथ की लंबाई तो हो गई थी 60 मीटर, लेकिन यहाँ हमें बीच के बिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, मैं अंतिम और प्रारंभिक बिंदु से मतलब है। तो अंतिम बिंदु ए है, ए की स्थिति है आपकी उसकी प्लस में 20 माइनस, और ओ की है हमारी 0, तो इसका मतलब हम कहेंगे केवल प्लस में 20 मीटर। ये विस्थापन नापने का तरीका होगा, और साफ दिख रहा है कि इसमें चिन्ह जो बता रहा है वो उस विस्थापन उसमें उसका मापांक भी शामिल है और उसकी दिशा भी शामिल है। तो इस तरीके से विस्थापन किसी वस्तु का उसकी प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन यानी कि हटाव है, और इसके लिए हम अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का अंतर ज्ञात करते हैं, जबकि पथ की पूरी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें उनके सभी बिंदुओं को कंसिडर करते हुए चाहे वो किसी भी दिशा में है उन सब के पथों को टोटल जोड़ रहा होता है, और इसीलिए हम इस पथ की लंबाई को सामान्यतः दूरी कह देते हैं। तो दूरी और विस्थापन में यही अंतर है कि दूरी एक तरीके से पथ की कुल माप है, जबकि विस्थापन अंतिम बिंदु का प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन है या हटाव है या अंतर है। यहाँ इस गणना से आप देख रहे हैं कि अगर पहले आंकड़ों की तुलना करें तो स्पष्ट है कि जो विस्थापन है वो पथ की लंबाई के बराबर हो सकता है। यहाँ भी 40 मीटर आया था, यहाँ भी 40 मीटर ओ से बी तक का पथ, लेकिन विस्थापन का मान पथ की लंबाई से अलग भी हो सकता है। आप देखिए ओ से ए तक पथ की लंबाई 60 मीटर आई थी जबकि विस्थापन 20 मीटर आया है, और ये शून्य भी हो सकता है। अगर ओ से चल करके वो भिन्न भिन्न बिंदुओं से होकर के वापस ओ पर आ जाता तो उसकी प्रारंभिक स्थिति भी ओ होती, अंतिम स्थिति भी ओ होती, तो दोनों का अंतर फिर से 0 हो गया होता। तो ये आवश्यक नहीं है कि विस्थापन सदैव पथ की लंबाई के बराबर हो। अगर एक ही दिशा में एक निश्चित दिशा में कोई गतिमान है पिंड लगातार चलता जा रहा है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वहाँ विस्थापन का मान सदैव पथ की लंबाई के बराबर होगा। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम को लेकर के चल रहे हैं उसमें अगर जो हमने टाइम कैलकुलेटर भी लिया हुआ है तो समय के साथ अगर उस गतिमान पिंड के द्वारा तय किया गया पथ की लंबाई भी हर समय बराबर है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु एक समान गति से गतिशील है, एक समान गति से गतिमान है। तो आइए देखिए कुछ ग्राफ के माध्यम से कुछ गतियों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप बोर्ड पर चार ग्राफ देख रहे हैं जिसमें कि मैंने एक्स अक्ष पर समय को दिखाया सेकंड में हर एक ग्राफ पर, और वाई अक्ष पर जो स्थिति है पोजीशन है उसको मीटर में मैंने दिखाया है एक्स के रूप में। तो आप देख रहे हैं पहला ग्राफ जिसमें कि एक क्षैतिज रेखा दिखाई दे रही है, यहाँ अगर मैं देखिए तीन बिंदुओं को दिखाऊँ एक सेकेंड, दो सेकेंड, तीन सेकेंड के संदर्भ में, तो आप देखिए ये ग्राफ बता रहा है कि जब हमने एक सेकंड पर नोट किया तो गाड़ी की पोजीशन थी 20 मीटर पर, दो सेकंड पर देखा तो भी 20 मीटर, तीन सेकंड पर देखा तो भी 20 मीटर। इसका मतलब जैसे जैसे हम घड़ी में उसकी पोजीशन नोट कर रहे हैं तो हर समय उसकी पोजीशन 20 मीटर दिखा रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक खड़ी हुई गाड़ी है यानी कि ये एक स्थिर वस्तु का ग्राफ है। इस ग्राफ को देखें तो आप देखिए दो सेकंड पर किसी पोजीशन को देखें, मान लीजिए उसकी गाड़ी की पोजीशन है 10 मीटर पर, उसी दो सेकंड पर 20 मीटर, उसी दो सेकंड पर फिर 30 मीटर। ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही टाइम पर गाड़ी 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और टाइम बदले ना? इसका मतलब ये तो संभव हो ही नहीं सकता। तो ये ग्राफ तो किसी वस्तु के लिए बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। अगला ग्राफ देखते हैं, आप देखिए ये किस गाड़ी को व्यक्त कर रहा है, एक सेकंड पर जब हमने नोट किया तो उसकी पोजीशन पाई गई 10 मीटर। आप देखिए ग्राफ की सीध में मैं उसी संगत पोजीशन को नोट कर रहा हूँ, जब दो सेकंड पर देखा तो हमने पाया कि उसकी पोजीशन होगी 20 मीटर, तीन सेकंड पर पाया तो उसकी पोजीशन होगी 30 मीटर। इसका मतलब है कि हम उस गाड़ी की बात कर रहे हैं जिसके कि जैसे जैसे मेरी घड़ी में टाइम बदलता जा रहा है तो उसकी पोजीशन भी मुझसे दूर होती जा रही है, क्योंकि 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर इसका मतलब मुझसे दूर जा रहा है। तो ये एक ऐसी गाड़ी की बात हो रही है जो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मैं अपने आप को संदर्भ बिंदु को मूल बिंदु पर व्यक्त कर रहा हूँ हर स्थिति में, तो यदि संदर्भ बिंदु मैं हूँ और मैं खुद मूल बिंदु पर हूँ तो मेरे से वो गाड़ी दूर जा रही है। तो ये एक दूर जाती हुई गाड़ी की बात है, जबकि इस गाड़ी को देखें अगर हम, तो यहाँ आप देखिए शुरुआत में वो गाड़ी जब हमने देखा तो 30 मीटर पर थी, एक सेकंड बाद देखा तो वो गाड़ी 20 मीटर पर थी यानी कि हमसे 20 मीटर पर आ गई,
2 सेकंड पर देखा तो 10 मीटर पर आ गई, और 3 सेकंड पर देखा तो जीरो, जीरो का मतलब है कि वो मेरे पास ही आ गई। इसका मतलब ये उस गाड़ी की बात हो रही है जो मुझसे कुछ दूरी पर थी, लेकिन जैसे जैसे घड़ी में समय आगे बढ़ा तो उसकी पोजीशन घटती गई और वो कुछ समय के बाद मेरे पास आ गई। इसका मतलब ये एक मेरे पास आती हुई गाड़ी को व्यक्त कर रही है। तो तीनों चारों स्थितियों में आप देख रहे हैं, ये तो खैर गलती है, तो तीनों स्थितियों में आप देख रहे हैं कि ये खड़ी गाड़ी का ग्राफ है, ये दोनों चलती हुई गाड़ी के ग्राफ हैं, लेकिन यहाँ गाड़ियों की गति की दिशा भी दिखाई दे रही है। ये एक दूर जाती हुई गाड़ी, यानी कि अगर उसको प्लस दिशा कहें तो ये एक माइनस दिशा में चलती हुई गाड़ी यानी कि मेरी ओर आती हुई गाड़ी को व्यक्त कर रहा है। ये ग्राफ आपका, ये वाला ग्राफ ऐसे भी हो सकता था क्योंकि ये ग्राफ भी उसी गाड़ी को शो कर रहा है जो दूर से मेरी ओर आ रही है, ये भी ग्राफ हो सकता था। तो ये अलग अलग ग्राफ क्या शो कर रहे हैं, तो ये शो करते हैं कि जो स्थिति परिवर्तित हो रही है वो कितनी तेजी से हो रही है या कितनी मंदी हो रही है। तो आइए उस चीज को समझते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन में तेजी या मंदी किस बात को व्यक्त करती है। तो उसके लिए हम एक सबसे पहले एक भौतिक राशि के बारे में जानते हैं और वो है वेग, और इससे भी पहले हम जानेंगे औसत वेग के बारे में। और जैसा कि हमने पीछे एक बड़े सरल से ग्राफ हमने दिखाए थे स्थिति और समय के बीच में किसी चलती हुई गाड़ी के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ग्राफ हमेशा बिल्कुल सरल रेखीय उसी रूप में हो। आप देखिए, मान लीजिए कि समय और स्थिति के बीच में किसी गाड़ी के लिए हमने एक ग्राफ दिखाया है, और आप उस ग्राफ को अब समझ सकते हैं उन तीनों ग्राफों से तुलना करते हुए जो हमने पीछे उनका विवरण दिया था। आप देखिए कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो तीसरे नंबर के ग्राफ को शो कर रहा है, जिसमें लग रहा है कि कोई एक गाड़ी हमारे संदर्भ बिंदु से दूर जा रही है। ये पोर्शन ग्राफ नंबर एक को शो कर रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जाकर के वो खड़ी हो गई है, और अगला पोर्शन ये शो कर रहा है कि वो अब हमारी ओर आना शुरू कर रही है। उस गति में अगर हम कहें कि भाई किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए हम दो बिंदु ले रहे हैं ए और बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच उसकी गति में किस तरह का परिवर्तन था, जो स्थिति परिवर्तित हो रही थी वो किस दर से हो रही थी, तो वो दर औसत वेग से व्यक्त होती है। तो यहाँ औसत वेग कितना होगा उसके लिए उन दोनों बिंदुओं के सापेक्ष आप वस्तु की पहले पोजीशन नोट करिए कितनी है। मान लीजिए ये X1 और X2 है, और वहाँ समय देखिए, ए पर मान लीजिए टाइम T1 था, बी पर टाइम T2 है, तो औसत वेग होता है उस वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन, यानी कि X2 - X1 बटे समय अंतराल, यानी कि T2 - T1, या इसको हम कह सकते हैं Δx / Δt। ये दो एक जैसी राशियों के अंतर को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, त्रिभुज जो है डेल्टा को प्रदर्शित करता है। तो स्थिति में होने वाले परिवर्तन को अगर हम समय अंतराल से भाग दे दें तो वो औसत वेग को व्यक्त करेगा, वो ए और बी के बीच में किसी वस्तु के औसत वेग को प्रदर्शित करेगा। और आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि अगर मैं ए और बी को मिलाऊँ तो एक जीवा बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है मुझे ए बी सी, और अगर ये कोण थीटा है तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये टेन थीटा आपका बी सी अपॉन ए सी, और बी सी आपका है X2 - X1, ये जो अंतर है, और ए सी जो है ये इन दोनों का अंतर है यानी कि डेल्टा टी। तो स्पष्ट है कि ये अनुपात हमारा टेन थीटा भी है, और इस टेन थीटा को हम कहते हैं प्रवणता। तो उन दो बिंदुओं के बीच जो मिलाने वाली रेखा होगी, उस रेखा की जो ढाल है या उस रेखा की प्रवणता, वो भी उस औसत वेग को व्यक्त करती है। और अगर हम इसको एक सरल भाषा में कहें तो हम देख रहे हैं कि वेग बराबर एक तरीके से ये स्थिति में परिवर्तन विस्थापन है, और बटे ये समय अंतराल एक तरीके से समय है, लेकिन ये उन दो बिंदुओं के बीच का औसत वेग को व्यक्त कर रहा है। तो फिर वेग कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच में तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तो अगर इस समय अंतराल को हम बहुत छोटा करते चले जाएं और सूक्ष्म लें, यानी कि किसी विशेष बिंदु पर हमें वेग चाहिए, तो उस बिंदु के संगत हमें बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के अंतर्गत उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को देखना होगा। अगर वो समय अंतराल यानी कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए, यानी कि बहुत बहुत सूक्ष्म हो जाए, तो उस स्थिति में डेल्टा एक्स भी काफ़ी छोटा होता चला जाएगा, और उस स्थिति में जो हमारा औसत वेग है वो औसत वेग उस समय का तात्क्षणिक वेग कहलाता है, या तत्कालिक वेग कहलाता है, या सिर्फ हम इसको वेग ही कह सकते हैं। तो ये कहलाता है उस समय का वेग।
और वी बराबर हो जाता है उस समय यही डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, लेकिन शर्त यह है कि जो टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म हो। जब आप गणित पढ़ेंगे तो गणित में एक ब्रांच है अवकलन की, कैलकुलस की, तो उसमें आप लिमिट जब सीखेंगे तो वहाँ इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, वहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेनेशन होगा तो आप अच्छी तरह सीख पाएंगे। तो वी अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो है तो उस स्थिति में ये औसत वेग उस बिंदु पर वेग को प्रदर्शित करता है, वहाँ के तात्क्षणिक वेग को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो करता है, और केवल सरल भाषा में हम इसको वेग भी कह देते हैं। और उस समय इसको हम अवकलन की भाषा में केवल डी एक्स अपॉन डी टी से व्यक्त करते हैं, यानी कि ये संबंध हमारा वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी बन जाता है। और स्पष्ट है यहाँ से, अगर मान लीजिए कि जो स्थिति में होने वाले परिवर्तन समय पर निर्भर कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए हम एक इक्वेशन कहें कि एक्स इक्वल टू 3t² + 4t, यानी कि किसी गाड़ी की स्थिति इस समीकरण के अनुसार परिवर्तित हो रही है, तो बताइए कि t बराबर 5 सेकंड पर वहाँ उस गाड़ी का वेग कितना होगा। तो आप इसको हल कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका अवकलन करिएगा तो dx अपॉन dt आपका, आप अवकलन जब करेंगे तो वहाँ और ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं साधारण अवकलन ले रहा हूँ, 3 × 6t + ये हो जाएगा 4, टी का अवकलन एक होता है, तो डी एक्स अपॉन डी टी ये हो गया। यही डी एक्स अपॉन डी टी उस समय के तात्क्षणिक वेग को वी को प्रदर्शित करेगा, लेकिन हमें चाहिए इसका मान टी बराबर 5 सेकंड पर। तो इसको आप हल कर दीजिए 5 भर के, 6 × 5 + 4 यानी कि 34। तो उस समय का जो वेग होगा वो हमारा ज्ञात हो जाएगा। अब ये वेग को हम किस तरीके से प्रदर्शित करें, किस रूप में निरूपित करें, तो आपने इससे पहले जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, इसका जो मात्रक होता है यहाँ से भी हम देख सकते हैं, विस्थापन मीटर में नपता है, तो मीटर बटे और समय सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक होता है। विमीय सूत्र भी आपने ज्ञात किया होगा इसका, LT-1। और जो हमारे वाहन चलते हैं उनकी तो स्पीड आप जानते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त की जाती है, तो ये इसके मात्रक हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये मीटर में व्यक्त था और समय सेकंड में था तो ये हमारा 34 मीटर प्रति सेकंड को व्यक्त करेगा। तो इस तरीके से हम अवकलन के माध्यम से भी यात्रा के किसी बिंदु पर तात्क्षणिक वेग या तत्कालिक वेग या केवल वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो वेग हुआ हमारा विस्थापन बटे समय, और हम इसको अगर परिभाषित करें तो एकांक समय में किसी वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन, यानी कि एकांक समय में किसी वस्तु का विस्थापन उसके तत्कालिक वेग को प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से ये तो हम देखा हमने उसका वेग, और हम जानते हैं कि यहाँ औसत वेग देख रहे हैं साहब विस्थापन पर डिपेंड कर रहा है, और हमने पीछे देखा था कि विस्थापन जो है वो जो पथ की लंबाई होती है उससे भिन्न भी हो सकता है। तो कुल पथ, अगर कुल यात्रा के पथ की हम बात करें तो हम औसत वेग से तो कुल यात्रा को कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हम एक दूसरा फैक्टर यूज़ करते हैं, दूसरी भौतिक राशि यूज़ करते हैं, और वो है उसका औसत चाल। और औसत चाल का संबंध उसकी कुल पथ की लंबाई से संबंधित है। जो हम यहाँ पर विस्थापन देख रहे थे, स्थिति में परिवर्तन देख रहे थे, यहाँ की बजाय हम अब की बात कुल पथ की लंबाई लेंगे, यानी कि कुल पथ की लंबाई, और उसमें हम कुल समय जो भी लगा है उससे अगर भाग दे दें तो वो उस पिंड की पूरे पथ के लिए औसत चाल को व्यक्त करेगा। इस औसत चाल को भी हम वी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वेग और विस्थापन में चाल में यही अंतर है कि यहाँ हमने दिशा का ध्यान रखा, परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है, लेकिन यहाँ हमें कुल पथ से मतलब है, दिशा से मतलब नहीं है। इसलिए चाल अपने आप में बिना दिशा का एक मापांक वाली राशि है, इसको हम अदिश राशि भी कह देते हैं, जबकि औसत वेग हमारा विस्थापन पर डिपेंड करता है और विस्थापन दिशा पर डिपेंड करती है। तो चूंकि ये सदिश राशि है इसलिए ये भी सदिश राशि है। वैसे सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में आप आगे चल के ज़्यादा डिटेल में अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ हम इनका आंकिक मान ले रहे हैं। तो किसी भी पूरे परिपथ के लिए किसी पिंड की औसत चाल का मान कुल पथ की लंबाई बटे कुल समय। यहाँ अगर हम सरल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि हमने पथ की लंबाई को पीछे दूरी कहा था, और यहाँ हम चाल को परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम पिंड की चाल कहते हैं। और जिस तरह से वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, उसी तरीके से चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, या विमीय सूत्र इसका LT-1 होता है। तो ये हमारी चाल रही। तो इस तरीके से आप देखिए कि किसी भी
ग्राफ के किसी बिंदु से आप ढाल के माध्यम से उसका औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ आप ये भी देख रहे हैं, देखिए औसत वेग स्थिति में परिवर्तन से कैलकुलेट हो रहा है, और अगर x2 का मान x1 से अधिक है तो ये मान धनात्मक आएगा। तो जैसा कि हमने पीछे देखा था, हमने एक ये ग्राफ लिया था, तो ये ग्राफ बता रहा था कि जिसमें गाड़ी मेरे संदर्भ बिंदु से मुझे मानते हुए मुझसे दूर जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसको अगर मैं प्लस एक्स कह रहा हूँ तो औसत वेग पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक्स वन का मान एक्स टू से बड़ा हुआ तो यही मान नेगेटिव हो जाएगा। उस स्थिति में जो वेग हमें प्राप्त होगा वो ऋणात्मक होगा, और वो ऋणात्मक वेग शो करेगा कि गाड़ी अब की बार माइनस एक्स की ओर, या कहें कि मेरी ओर आ रही है। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं इसको ऊपर उछालता हूँ तो ऊपर जाते समय इसकी दिशा पॉजिटिव और नीचे आते समय इसकी दिशा नेगेटिव है, तो ऊपर की ओर का वेग पॉजिटिव और नीचे की ओर का वेग नेगेटिव। तो ये हम ग्राफ से भी देख रहे हैं और हमारा मैथमेटिकली भी हमें इस तरीके से प्राप्त होता है वेग का जो चिन्ह है। यहाँ हम एक सरल रेखीय गति की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम वहाँ पर चिन्ह के आधार पर ही वेग की दिशा को तय कर लेते हैं। पॉजिटिव वेग एक दिशा और नेगेटिव वेग दूसरी, उसकी ठीक अपोजिट दूसरी दिशा। इसी से ही आप देखिए कि अगर मान लीजिए ये ग्राफ ऐसे ना होकर के एक ग्राफ ऐसा होता, तो आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ का ढाल इसकी तुलना में कुछ ज़्यादा है, और ढाल ही वेग को व्यक्त करता है। तो इससे स्पष्ट है कि अगर ये कोई दूसरी गाड़ी है तो पहली गाड़ी से वो तेज मूव कर रही है, ये कोई गाड़ी है तो ये इसका मतलब है अब इससे कुछ मंदा मूव कर रही है। उसी तरीके से दूसरे जो चौथा नंबर का हमारा ग्राफ था पीछे, उसमें अगर ये ग्राफ है तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि इसका ढाल कुछ कम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जब गाड़ी हमारे पास आ रही थी तो थोड़ा मंदी हो गई। अगर हम और इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं, ढाल इसका बढ़ा देते हैं, तो आप देख रहे हैं ये व्यक्त कर रहा है कि गाड़ी मेरी ओर बहुत तेजी से आ रही है। तो इस तरह से आपने जाना कि स्थिति समय जो ग्राफ है हमारा, वो किसी भी चलते हुए गतिमान वस्तु की किसी बिंदु पर गति के बारे में सूचना देता है। उस ग्राफ के किसी बिंदु का जो ढाल है वो उस समय वहाँ पर तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। किसी एकांक समय में किसी वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन औसत वेग को प्रदर्शित करता है, वेग को प्रदर्शित करता है। और अगर पूरे पथ की हम बात करें तो बिना दिशा के हम किसी भी एकांक समय में चली गई कुल दूरी को उसकी चाल से व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से आपके पुस्तक में पीछे अभ्यास में 1 से लेकर 9 तक के लगभग इसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं, कुछ आंकिक यहाँ पर समस्याएं मैंने खुद इन्वॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप अभ्यास प्रश्न के कुछ आंकिक प्रश्न, कुछ बोधात्मक प्रश्न, उनको हल करने का प्रयास कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपकी काफ़ी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। और चलिए अगली बार इससे आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।